राज्य कर्मचारियों की भर्ती में चल रही धांधली की एक और कड़ी से कोबरा पोस्ट रिपोर्टर की मुलाकात हुई। श्री प्रकाश राय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। अपने लोगों को सरकारी नौकरी में लगाने के सिलसिले में जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप पर भरोसा रखूं, तो श्री प्रकाश राय ने रिपोर्टर को भरोसा दिलाया कि वो मदद करेंगे, लेकिन उम्मीदवारों को मेरिट क्रॉस करना पड़ेगा। उनका कहना है, मेरिट को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना, इंटरव्यू में आओगे तो मैं मदद करूंगा। सर, तो आपसे सर भरोसा रखे सर, भरोसा रखे सर, भरोसा आपसे रखे सर, भरोसा जब आएगा तो हम तभी मदद करेंगे, करेंगे। इंटरव्यू लेटर जब तक ना आए तब तक कुछ नहीं। इंटरव्यू में तो सारा सर ऊपर से ही होगा, सारा यहाँ से सेटिंग, इंटरव्यू में तो सारा सेटिंग से ही होगा, ऐसे होना नहीं। इंटरव्यू लेटर आएगा तभी सेटिंग होगी, इंटरव्यू भी नहीं सेलेक्ट होगा, मेरिट के आधार पर कैसे होगा? मेरिट मिलेंगे ना, 30 नंबर का मेरिट है, 50 नंबर का इंटरव्यू है ना सर इसमें? जितने की मेरिट है मेरिट को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू में आओगे तो मदद करें। भर्ती कराने के लिए श्री प्रकाश राय ने 7 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया। इसमें से 5 लाख तो मंत्री जी को सीधा रिश्वत में चला जाएगा। इस सिलसिले में श्री प्रकाश राय का कहना है, विकास मंत्री कहो, पंचायत राज मंत्री ले लो, 7 का रेशियो मान कर चलो। ग्राम विकास वाला, सर पहले लिस्ट वगैरह बन रहा है ना सर, सुनने में आया सिपाल जी के यहाँ जी। वो डीलर नंबर बताना। अच्छा, मैं टाइप कर दूंगा, तो हो जाएगा ना सर उसमें? बात करा दूंगा। कितने लोगों का है? है तो सर 12 लोग। अब जितने लोग का हो जाए कम से कम, मतलब 4-5 जितने अभी आप करा दें हमारा। उसमें सर खर्चा वगैरह क्या आ जाएगा, कुछ आइडिया? ग्राम विकास अधिकारी, हमारे घर से 5 किसमें सर? सर मंत्री जी के पास कई सर, पूरा एक चैन होगा वहाँ। अच्छा, तो टोकन उसमें कितना करना होगा? अच्छा 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 हाँ, ये भी दिक्कत हो जाएगा ना, कम बोल दे अपने से और रेट बढ़ जाए। श्री प्रकाश राय रिपोर्टर की मदद के लिए इतने तत्पर निकले कि इन्होंने फोन पर संतोष ठाकुर नाम के एक व्यक्ति से आनन फानन बात कर भर्ती के विषय में पूरी जानकारी भी मांग ली। तीसरी बात ये बात करिएगा संतोष से कि पंचायती राज में जो वार्ड निकला था, पंचायती राज अधिकारी का काफी वार्ड निकला था ना, ग्राम विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी वाला अलग है, वो अलग है, ग्राम विकास तो वहाँ का है, इसके पास है, गोप के पास, गोप के पास है। ये ग्राम विकास अधिकारी का भी निकला था अब तो, और ग्राम पंचायत का भी निकला है, एक बलराम जी के विभाग से निकला था और एक जो है गोप के विभाग से निकला था। ग्राम विकास गोप के विभाग का है, उसमें कम से कम 1 दर्जन से 2 दर्जन नियुक्तियां होनी है, करनी करानी है। उसमें क्या स्थिति बनेगी, लिस्ट सूची तैयार हो रही है, अभी रिटर्न अभी इंटरव्यू दोनों में भी इंटरव्यू लेटर भी जारी नहीं हुआ है। इस पर बात करिए कि है 2 दर्जन है तो उसको कैसे मैनेज होगा, ग्राम विकास का भी करिए, बलराम यादव का विभाग का भी है और पंचायती राज का भी, और ग्राम विकास गोप का विभाग भी है। अच्छा, तो सेटिंग है तो लगभग है 1 दर्जन लोग हैं, तो उसका जरा उनसे समझ लीजिए कि सरकारी है क्या जमा होना है,
फिर ऊपर वाला कुछ मार्जिन समझ करके उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। है लड़का यहाँ पर है, दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी इस टाइप का काम करता है, लंबा चौड़ा है। तो ये दो तीन बिंदु जो है इसको बात करिए और ये स्थिति जो है सब बताइए क्या चल रहा है। काम कुछ होना चाहिए ना, फिर भाई को वहाँ गाजियाबाद का बालू का है, अभी सिंडिकेट नहीं दिया किसी को, संभल में सिंडिकेट का मामला है, तुम नोट कंफर्म करके बताएंगे। चलो आप देखिए बता दिया संतोष ठाकुर। अच्छा संतोष ठाकुर जी, अरे सब अंदर चैनल है, क्या करोगे। अच्छा सब चैनल पर मतलब हो जाएगा ना, मैं देख अब देखो वो अब सब कुछ बताएंगे, सब बातें होंगी, मुलाकात होगी भी तो हो रहा है ना, मेरा ये कहना ना तक है सब। अभी तो चुनाव अच्छा संहिता लगा, देखो क्या करते हैं। हाँ तो मतलब चुनाव के बाद हो ही जाएगा ना, मेरा ये कहना काम तो हो रहा है ना इस तरह से। काम तो हो रहे हैं, अब उस बात करके बताएगा ना।